ने पसारे पहर गाजियाबाद में। अब तक 169 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, 84 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 83 कोरोना पॉजिटिव मरीज का फिलहाल इलाज चल रहा है। सोनू खान हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अब सोनू, गाजियाबाद में भी केसेस थम नहीं रहे, इन सब के बीच गाजियाबाद में अब तक 169 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद में जिस तरीके से जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर गाजियाबाद ऑरेंज जोन में था, उसके बाद से ही अब गाजियाबाद में कल की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 30 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, जिसमें इसके बाद से ही गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार गाजियाबाद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो रहा है। अगर आपको बता दें, गाजियाबाद में 179 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, जिसमें से 84 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और बाकी का इलाज चल रहा है। गाजियाबाद में 16 जगहों को हॉटस्पॉट किया गया है, वहां पर गाजियाबाद पुलिस तैनात कर जो एरिया है पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात गाजियाबाद में वो यही है कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोनू खान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो केसेस जो संक्रमण के हैं वो लगातार गाजियाबाद में भी बढ़ रहे हैं और तकरीबन ये हर जगह ही ऐसा हो रहा है कि केसेस कहीं पे एक एक करके बढ़ रहे हैं, कहीं पर बल्क में सामने आ रहे हैं। और इन सब के बीच